हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडेज। तो स्टूडेंट, इसको करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ डेज इन अ वीक ये क्या होता है, 7। ऐसे ही नंबर ऑफ डेज इन अ ऑर्डिनरी ईयर ये क्या होगा, 365 डेज। तो स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये सारे डेज एक वीक में होते हैं और एक वीक में एक डे यानी कि फ्राइडे वन टाइम आएगा, सैटरडे वन टाइम आएगा, संडे वन टाइम, मंडे वन टाइम, ट्यूसडे वन टाइम, वेंसडे वन टाइम और इसी तरह थर्सडे वन टाइम। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वन वीक में संडे या तो वन टाइम आ सकता है या मंडे वन टाइम, ट्यूसडे वन टाइम, ऐसे इसी तरह सभी डेज वन टाइम आ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 365 डेज अपॉन 7, अगर हम 365 में 7 का डिवीजन करें तो ये क्या आ जाएगा, ये 35 और 1 5, 7 टू जा 14 और 1 रिमाइंडर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वन डे। अब स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि 52 वीक्स है और 52 वीक्स है यानी कि वन वीक में वन टाइम संडे होगा और वन टाइम मंडे होगा, कोई भी डे वन टाइम ही होगा, या तो संडे वन टाइम होगा, मंडे वन टाइम होगा। ऐसे 52 वीक्स में संडे 52 टाइम्स होगा, मंडे 52 टाइम्स होगा और ऐसे ही फर्दर बाकी डेज होंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, यानी कि 52 टाइम्स तो संडे होगा ही होगा, ये तो श्योर इवेंट है, यानी कि ये तो सर्टेन है कि ये फिक्स हो चुका है कि हमारा 52 टाइम्स संडे होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो देखनी है हमें वो इस वन डे में देखनी है। अब ये जो वन डे होगा, अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएं तो इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो इसमें या तो ये संडे हो सकता है या ये मंडे हो सकता है या ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि ये इन डे में से कोई सा भी हो सकता है। यानी कि सैम्पल स्पेस क्या हो गया, टोटल आउटकम्स क्या हो गया, 7। और जो हमारी अब प्रोबेबिलिटी, जो संडे की प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, वो क्या होगा, संडे वन टाइम आएगा तो ये क्या होगा, 1/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई स्टूडेंट, 1/7। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/7। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 52 मंडेज। तो स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, और इसको अगर हम डिवीजन कर लेंगे 7 से तो 52 वीक्स एंड 1 डेज बचेगा। यानी कि स्टूडेंट, हमारा जो 52 वीक्स है इसमें 52 टाइम्स संडे आ रहा है और 52 टाइम्स मंडे आ रहा है, बाकी के डेज 52 टाइम्स आ रहे हैं। यानी कि हमसे क्या पूछा है, इसमें 52 मंडेज, और इसमें हमारा 52 मंडेज क्या है, फिक्स है, सर्टेन है। और स्टूडेंट, हम जो भी प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ अगर सर्टेन होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जो भी इवेंट अगर हमारा श्योर होता है, फिक्स होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 1, ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 54 संडेज। तो स्टूडेंट हमने अभी पीछे के क्वेश्चनों में देखा था कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 और 365 ये हमने लिख लिया था और ऐसे इसको डिवीजन करा था तो 52 वीक्स एंड 1 डेज और जो इसमें 52 वीक्स हैं वो उसमें 52 टाइम्स संडे और 52 टाइम्स मंडे ट्यूसडे बाकी के डेज फिक्स होते हैं और जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो इस वन डे में निकालते हैं। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 54 संडेज। तो इसमें स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि 52 टाइम्स ही संडे हो सकता है और वन डे में वन टाइम संडे हो सकता है, यानी कि टोटल जो संडे हो सकता है इसमें 53 टाइम्स संडे हो सकता है और इसमें क्या पूछा है 54 संडेज जो कि इम्पॉसिबल है हमारे क्वेश्चन के हमारे जो कॉन्सेप्ट है जिस हिसाब से हमने किया है इस हिसाब से हमारा जो 54 संडे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या हो गया हमारा इम्पॉसिबल। तो स्टूडेंट इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ अगर इम्पॉसिबल इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है जीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया सी। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या हो गया हमारा ईयर लीप ईयर और मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज, यानी कि अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितने हो जाएंगे लीप ईयर ये हो जाएंगे 366 और यहां पर क्या कर देंगे हम 366 यानी कि यहां पर कितना बचेगा अब अपना 16 और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 2 यानी कि 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब स्टूडेंट अब हम इसका आगे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसमें कि 52 टाइम्स तो संडे और 52 टाइम मंडे ऐसे ही बाकी डेज 52 टाइम्स तो होंगे ही होंगे लेकिन ये तो क्या हो गए 52 टाइम्स फिक्स हो चुके हैं ये तो सर्टेन हो चुका है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी देखनी है हमारी वो इन 2 डेज में देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डेज अब देखो 52 टाइम्स तो संडे या मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी होगा वो हो जाएगा लेकिन जो 2 डेज है ये क्या हो गया अनसर्टेन हो गया मतलब इसमें हमको हम श्योर नहीं कर सकते कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए 2 डेज में क्या क्या हो सकता है हमारा अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं इसका तो सैंपल स्पेस बनाएंगे या 2 डेज में क्या हो सकता है संडे मंडे या क्या हो सकता है मंडे ट्यूसडे या फिर आगे क्या हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे या फिर वेंसडे थर्सडे या फिर थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे एंड संडे यानी कि स्टूडेंट हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि 52 टाइम्स तो फिक्स हो चुका है लेकिन ये 2 डेज जो बचेगा अब ये क्या हो सकता है संडे और संडे के बाद क्या आता है मंडे अगर ये मंडे होगा तो मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे यानी कि 2 डेज में ये पेयर बनेंगे हमारी सैंपल स्पेस में ये क्या कितने पेयर बनेंगे 7 पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल्स बने हमारे कितने आउटकम्स हो सकते हैं पेयर के 7 यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट देखो 2 डेज हमारे आ सकते हैं या तो ये संडे होगा या मंडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 7 तो हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी 2/7 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए।